राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव से एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई है जिससे हिंदुस्तान नग्न हो गया है। हिंदुस्तान की आत्मा को नग्न दबोचने की यह तस्वीर सामने आई है, जहां एक आदिवासी गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया है। आपको बता दें, घटना 31 अगस्त की बताई जा रही है। यहां की रहने वाली महिला की एक साल पहले शादी हुई, उसका पास के गांव के रहने वाले युवक के साथ प्रेम प्रसंग था। महिला गर्भवती है और अपने प्रेमी से मिलने गई थी। जब परिवार को इसकी जानकारी हुई तो परिवार ने महिला का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। उसके बाद 21 वर्षीय महिला को उसके पति काना और अन्य रिश्तेदारों ने निर्वस्त्र कर घुमाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने शुक्रवार रात अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन को प्रतापगढ़ भेजा। दरियाबाद के थाना प्रभारी पेशावर खान ने बताया कि गुरुवार को थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव में 21 वर्षीय महिला को उसके पति काना और अन्य रिश्तेदारों ने निर्वस्त्र कर घुमाया। उन्होंने बताया कि महिला के पति काना सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वही इस मामले पर मुख्यमंत्री गहलोत और भाजपा के कई नेताओं का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, एक महिला को निर्वस्त्र करने का वीडियो सामने आया है, सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। वही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों के सामने गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस घटना ने राजस्थान को फिर से एक बार शर्मसार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लोगों से सोशल मीडिया पर वीडियो साझा नहीं करने की भी अपील की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में शासन व्यवस्था गायब है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि राज्य पर ध्यान देने की जगह वो दिल्ली में आलाकमान को खुश करने में लगे हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान फिर से एक बार शर्मसार है। घटना की प्रशासक को भनक नहीं लगना बताता है कि आखिर राजस्थान क्यों महिला दुष्कर्म और अत्याचार में नंबर एक पर है। वही भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये घटना हृदय विदारक है। मुझे लगता है कि राजस्थान में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, खासकर की महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न और अपराधों की जो घटना हुई है, उस श्रृंखला में इस तरीके की दरिंदगी की ये घटना जुड़ गई है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अशोक गहलोत जी की पूरी निष्ठा सियासत और कुर्सी बचाने में है, लेकिन किसी महिला की निष्ठा कैसे बचे, उसमें उनकी निष्ठा कभी दिखाई नहीं दी। हम चाहते हैं कि अपराधियों को तत्काल से तत्काल सजा मिले। इससे पहले देर रात अपनी माँ के साथ पीड़िता की ओर से दरियाबाद थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया। पीड़िता ने पति सहित 10 नामजद और अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला के बयान पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके बाद एसपी अमित कुमार के निर्देशन में पुलिस की 12 टीमें एक्टिव मोड में जगह जगह दबिश दे रही है। वही इस प्रकरण में डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन मौके पर पहुंचे और घटना का संज्ञान लिया। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि घटना में सभी ससुराल पक्ष के जो भी लोग शामिल है और उन्हीं के साथ सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी।